तो करो ना भाई, क्यों आए हो? अगर कॉलेज में जा रहे हो, नए नए हो, तो क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़ रहे हो? स्टडी मस्ट बी फर्स्ट, देखो ना पहले, उसके बाद जो काम करना वो करो, उसके बाद तुम फोकस दो। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ एक ज्ञान की बातें जो बहुत सारे लड़कों के लाइफ में होती है, और मैं आसपास भी देखता हूँ, अपने कंपनी में भी देखता हूँ, या फिर कहीं पे भी मैं जाता हूँ उस प्लेस पे, या फिर स्टार्टिंग में जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनके मुंह से मैं सुनते रहता हूँ। जब वो कॉलेज प्लेसमेंट में आते हैं, या फिर कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होता उनका, या फिर कोई दोस्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो चीज़ के बारे में आज मैं बताऊँगा आपके सामने। अगर आप न्यू हो कॉलेज में, नए गए हो, बीएससी, बीए, बीकॉम, एमकॉम अगर आप करने गए हो स्टार्टिंग में, तो ये वीडियो जरूर देखना दोस्त, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बेनिफिट होगा। तो चैनल पर नया हो तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। देखो, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, स्टडी मस्ट बी फर्स्ट आफ्टर दैट एनीवन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या फिर अगर आप प्राइवेट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन करने गए हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर कोई आईटी सेक्टर के ज्ञान लेने गए हो, या फिर जैसे कोई भी एनीवन कुछ भी हो, जो भी आप कर रहे हो उसको मैंने फोकस करके करूँ, क्योंकि पता, लेकिन स्टडी मस्ट बी फर्स्ट होता है कहीं पे भी। भले आप कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी दोस्त से बात कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ मन देखो, क्योंकि आप ये देखो कि 2 साल बाद 3 साल बाद अगर मैं उस चीज़ से क्वालिफाई होकर जाता हूँ तो अपने आप को किस पोस्ट में देखना चाहता हूँ। क्योंकि पता है, वो 2 साल 3 साल तो बहुत अच्छे से मजे में निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लमें होना चालू हो जाती है। फैमिली इशू, दोस्त इशू, गर्लफ्रेंड इशू, मतलब हर प्रकार की प्रॉब्लम हमारे पास फेस करने को आता है, हर प्रकार की। अगर कॉलेज प्लेसमेंट ना हो तो घर की डांट सुनना, बाहर की डांट सुनना, लोगों से डांट सुनना, सबसे आज के डेट में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी होती है कि रिलेटिव हमारे बोलते हैं, गांव वाले लोग बोलते हैं, मैं गांव नहीं जा पाऊंगा, कैसे जा पाऊंगा, बाहर आ रहा हूं तो काम करूंगा, अपने आप से जॉब ढूंढूंगा। ये सारी चीज़ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ने के लिए आया हूं तो उस चीज़ को जरूर पढ़ूं, क्यों ना साला अगर मैं 3 साल पढ़ाई में स्पेंड करूं, 3 साल जॉब में स्पेंड करूं, या फिर जो भी काम कर रहा हूं उसको, उसके बाद मैं उस काम की साइड से दूसरा चीज़ करते रहूं तो बेहतर है। ये नहीं कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये भी देखूं, उसके बाद गपशप भी करूं, मजे भी करूं, गर्लफ्रेंड भी बनाऊं, और एक और से बात करूं, दोस्तों से बात करूं, ऐसे सारी चीज़ें प्रॉब्लम हमारे पास आती है, लेकिन फिर हम बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद जाके कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। तो इसलिए आप, अगर आप ग्रेजुएशन में हो, स्टार्टिंग में अगर आप कोई ITI क्वालिफाई करके आए हो, IIT क्वालिफाई करके आए हो, आपका एडमिशन हुआ है, कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके आए हो, तो वो चीज़ को समझो, क्योंकि आप उस चीज़ को क्वालिफाई करके आए हो, उसके बाद आपका एडमिशन हुआ है कोई कॉलेज में, तो कॉलेज में जाने के बाद कोई गपशप वगैरह या फिर कोई भी चीज़ की, वो मतलब हमारे साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। और अभी के डेट में, अभी न्यू जनरेशन में मैं सुनते रहता हूँ, दोस्त कंपनी में आते हैं, या फिर 10 लोगों के बीच में बात होती है, वो चीज़ डिसाइड होता है, वो चीज़ क्रिएट होती है वहाँ पे, तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। तब जाके लोग अपने आप को पिछले, मतलब तब जाके अपने आप को लोग पीछे की चीज़ को सोचते हैं, तब जाके उस चीज़ को अपने अंदर मतलब खोजते हैं, बोलते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ मैं वीडियो इसलिए ये लेके आया था कि अगर आप अभी नए नए हो, ग्रेजुएशन हो, तो ये चीज़ को समझो, कहीं पे भी एडमिशन हुआ है, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर TCS का एग्जाम देने जा रहे हो, विप्रो का एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारा 1 साल बाद विप्रो का एग्जाम है, तुम्हारा 2 साल बाद तुम्हारे कॉलेज क्वालिफाई हो रहा है, तुम बीटेक में हो, बीटेक क्वालिफाई करने वाले हो, अब तुम्हारी कंपनी में TCS आ रही है, तो क्यों ना वो 1 साल, अगर तुम्हारे 2 साल तुमने स्पेंड कर लिए, 2 साल तुमने सारा चीज़ लॉस कर लिया, लेकिन 1 साल मन लगा के काम करो, 1 साल बढ़िया से पढ़ाई करो, ताकि वो 1 साल का मेहनत तुम्हारे अगले 2 साल बाद 3 साल बाद तुम 4 गर्लफ्रेंड 5 गर्लफ्रेंड लेके घूमो, तुम्हारे रिलेटिव खुश, तुम्हारे फैमिली खुश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो खुश, हर कोई खुश रहता है, लेकिन वो 3 साल के मजे में पूरे ज़िंदगी की सजा वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे साथ मतलब 2-3 लड़के मुझसे बात कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मैं बनाऊं और मैं आपके बीच में लेके आऊं। मुझे पता है अगर आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास क्वालिफाई करके, या फिर 1st ईयर 2nd ईयर में हो, तो अभी भी ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो और चीज़ को समझो यार, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मैं जॉब की एरिया को मैं देख रहा हूँ, लोग कैसे कैसे लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, कैसे कैसे लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे प्रॉब्लम है उनके साथ होती है, अच्छे खासे पढ़ने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पाती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना, उसके बाद तब ये वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि वो अवेयर हो सके इस चीज़ से। नहीं तो अगर आप दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, बेंगलुरु में, गोवा में, कहीं पर भी जाते हो, तो आपको मतलब जॉब से ज़्यादा भटकना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो जरूर, और ऐसे जैसे जैसे मैंने आपको बताया जरूर करना, नहीं तो फिर कल को मतलब दिक्कत होती है, दिक्कत ज़्यादा नहीं होती लेकिन दिक्कत होती है।
वैसे आप मत करना, क्योंकि कल को घर से आप आओ, फैमिली प्रॉब्लम हो, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम हो, और आके अपने आप से खुद से जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढ के फिर 20,000, 25,000, 10,000 की सैलरी पे आप रहो, वो बहुत बेकार लगता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।